आई एम प्राची कौशिक। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हमने मेल फ्लावरिंग प्लांट डिस्कस किया था, जिसमें कि हमने देखा था कि किस तरीके से जो हमारा मेल फ्लावरिंग पार्ट है वो कैसे डेवलप हो रहा है, किस तरीके से कौन कौन सी प्रोसेसेस हो रही हैं, कौन सा डिवीजन हो रहा है जिसके थ्रू वो डेवलप हो रहा है, देन फिर वो आगे कहाँ पे जाके ट्रांसफ़र करेगा, तो वो हमने अपना फर्स्ट लेक्चर में देखा था। अब हम जो अपना देखेंगे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में देखेंगे। इसमें जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है, इसमें हम इसको क्या बोलते हैं, गाइनोशियम। जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव इन फ्लावरिंग प्लांट्स में एंड्रोशियम वर्ड यूज़ किया था, सेम एज हम यहाँ पे फीमेल में क्या यूज़ करेंगे, गाइनोशियम। गाइनोशियम और गाइनोशियम इट इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन इन अ फ्लावरिंग प्लांट। अब हम इसमें जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है, इसमें हम इसको क्या बोलते हैं, पिस्टल, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट कार्पल। पिस्टल एंड कार्पल हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन कहलाता है ऑफ अ फ्लावर का, ठीक है। इसमें हमारा क्या होता है, इट इज अ कंसिस्ट ऑफ, देर आर सम पार्ट्स, दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज द स्टाइल, ओवरी, एंड ओवरी कंसिस्ट आ ओव्यूल। ओवरी के अंदर हमारा क्या होता है, ओव्यूल। ये हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था कि जिस तरीके से हमारा ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, जैसे हमारा फ्रूट के अंदर सीड होता है, तो सेम एज हमारा ओवरी जो है वो एक फ्रूट को फॉर्म करती है, वाइल ओव्यूल फॉर्मेशन करेगा किसका, सीड का। अब हमारा ये जो ओवरी है, इट इज़ अ कनेक्टेड होती है ये थैलमस वाले रीजन से ऑफ द फ्लावर, थैलमस। अब ये हमारा थैलमस हमारा कौन सा रीजन है, जिसमें हमने बाइसेक्सुअल फ्लावर देखा था ऑफ द, किसका, हमने हिबिस्कस का एग्जांपल लिया था। इसमें हमारा जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें मतलब मेल और फीमेल दोनों था, तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम फीमेल वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। अब हमें इसमें देखना है कि जो हमारा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है उसका क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले अगर हम स्टिग्मा की बात करते हैं, तो स्टिग्मा इट इज़ अ अपर मोस्ट पार्ट, स्टिग्मा सबसे अपर मोस्ट पार्ट यानी अपर पार्ट होता है ऑफ द फीमेल फ्लावर का। अब इसका फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे मैच्योर पोलन ग्रेन्स थे वो हमारा थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन के थ्रू क्या करेंगे, यहाँ पर आकर इस तरीके से यहाँ पे स्टिक हो जाएंगे, यानी यहाँ पे आके स्टिक हो जाएंगे। और इसका फंक्शन क्या होगा, स्टिग्मा का, ये क्या करेगा, इसको रिसीव कर लेगा, यानी ये क्या होता है, एक एज अ रिसीवर की तरह एक्ट करता है। इट इज अ स्टिग्मा अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द फीमेल फ्लावर, एंड द इसका फंक्शन क्या है, जिसमें भी हमारा जब पोलन ग्रेन्स आएंगे इस पे आके स्टिक हो जाएंगे और इसमें यहाँ पे स्टिग्मा उसको स्टिक कर लेगा, रिसीव कर लेगा। देन स्टाइल, स्टाइल इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इज अ इलोंगेट भी कह सकते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, विच कैरी द पोलन ग्रेन। इसका फंक्शन क्या होगा, जैसे सपोज ये जब हमारे स्टिग्मा पे यहाँ पे हमारे पोलन ग्रेन्स आ गए, तो अब ये इसको अंदर आने की परमिशन देगा, यहाँ पे इसको अंदर आ गए तो ये क्या करेगा, इन पोलन ग्रेन्स में कैरी करके रखेगा। देन हम ये भी बोल सकते हैं कि स्टाइल जो है एक कनेक्टिव लिंक है किसके बीच का, स्टिग्मा के बीच का एंड द ओवरी के बीच का, यानी ओवरी और स्टाइल स्टिग्मा को कनेक्ट करके रख रहा है थ्रू द स्टाइल के थ्रू, स्टाइल को कनेक्ट करके रख रहा है। नाउ अब हम ये भी बोल सकते हैं कि जो एक स्टाइल है वो पोलन ग्रेन्स को क्या करेगा, वो इसको ट्रांसफर कर देगा इनटू द ओवरी में। नाउ ओवरी, ओवरी क्या होती है और ओवरी का फंक्शन क्या होता है, हमें पता है ओवरी इज द बेसल एंड बल्जेज पार्ट। ओवरी कैसी होती है, बेसल, बेसल मतलब थैलमस से अटैच होती है, बेस वाले रीजन में होती है ऑफ द फ्लावर में, और एकता कैसी होती है, ये बल्जिज होती है, बल्जिज मीन्स थोड़ी सी स्वेलो रीजन में होती है। बल्जिज स्वेलो रीजन भी हम इसको बोल सकते हैं, थोड़ी सी स्वेलो, ठीक है। नाउ अब हमारा जो ओवरी है वो क्या है, ओवरी अपने अंदर किसको कंसिस्ट करके रखेगा, ओव्यूल को करके रखेगा। अच्छा, इसमें अब हमें पढ़ेंगे कि हमने बोला कि इसको हम पिस्टल भी कहते हैं और कार्पल भी कहते हैं। अब ये हमारी कार्पल जो होती है, वो हमारी कार्पल वन कार्पल भी हो सकती है,
वन कार्पल भी हो सकते हैं, और टू भी कार्पल हो सकते हैं, थ्री भी हो सकते हैं, मल्टी कार्पल्स भी हो सकते हैं। यानी सपोज ये जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है, कार्पल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है और द फ्लावर का, तो ये क्या हो सकता है, वन कार्पल भी होता है, टू कार्पल भी, एंड मल्टी कार्पल। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम अगर जो सपोज वन कार्पल रखेगा उसको बोलेंगे मल्टी वन कार्पल्स, इसको हम बोलेंगे टू बाई कार्पलरी, इसको हम बोलेंगे मल्टी कार्पलरी। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा हमारा राइस और वीट, राइस एंड वीट। सेकंड इसका एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारी ये सोलनेसी फैमिली में आती है, बाई कार्पलरी, यानी जो इसके कार्पल्स होते हैं टू होते हैं, तो ये हमारी सोलनेसी में आ गई, तो हमारा इसमें एग्जाम्पल हम ले लेते हैं पोटैटो का। नाउ मल्टी कार्पल जो होती है वो होती है हमारी, इसका एग्जाम्पल आएगा हमारा मैंगो। अब हम बात करेंगे इसकी कि ये जो हमारी कार्पल्स होती हैं किसी में हमारी फ्यूज्ड भी होती हैं और किसी में हमारी फ्री कंडीशन में होती हैं। अब वो किस तरीके से होती हैं वो हम देखते हैं आगे। एपोकार्पस एंड सिनकार्पस, देर आर टू टर्म्स वी कैन यूज हियर। एपो मीन्स, एपो इज अ ग्रीक वर्ड, एपो क्या होता है, ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स क्या होता है, एपो का मीन्स होता है यहाँ पे अवे, अवे। और अवे किससे, किससे दूर जाना, किससे सेपरेट होना, कार्पस से सेपरेट होना, कार्पस यानी ये जो पूरा पार्ट है इससे सेपरेट आउट हो जाना, ये हमारा पूरा कार्पल हो गया। ठीक है, यानी कार्पल्स यानी जो हमारा फीमेल वाला पार्ट है उस कार्पल से सेपरेट होना। जैसे सपोज इस तरीके से हमारी ये स्टिग्मा हो गया, ठीक है, इस तरीके से ये, यानी इनके बीच का ये जो गैप है, दिस गैप, इनके बीच में क्या होता है, गैप होता है, ये गैप हमारा क्या होता है, एपोकार्पस कहलाता है। ठीक है, ये हमारा एपोकार्पस है। अब हम बात कर लेते हैं सिनकार्पस की, तो सिनकार्पस का मींस क्या होता है, सिन मींस होता है फ्यूज्ड, सिन मींस होगा हमारा फ्यूज्ड, फ्यूज मतलब अटैच, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, क्या कार्पस, कार्पल हमारे आपस में क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे, एज लाइक इट। यानी इन कार्पस के बीच में यहाँ पे कोई भी हमारा गैप नहीं रहता है। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एपोकार्पस का एग्जाम्पल जो होता है हमारा माइशेलिया एंड रोज में, जिसमें हमारे जो कार्पल होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट आउट होते हैं। अब जो हमारा सिनकार्पस का एग्जाम्पल होता है वो हमारा होता है पैपेवर एंड हिबिस्किस, हम इसमें हिबिस्किस भी ले सकते हैं, हिबिस्किस। अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कार्पल के बारे में और ओवरी के बारे में, देन ओव्यूल के बारे में। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारा ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर्स ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर्स ऑफ ओव्यूल में पहले ही देखो हमारा फ्यूनिकल आता है, देन हमारा हाइलम, दिस इज द माइक्रोपाइल, एंड माइक्रोपाइल की सेम एज अपोजिट होता है हमारा चलाजा ग्लैंड, एंड दिस इज द इनर इंट्यूगमेंट, आउटर इंट्यूगमेंट्स एंड एम्ब्रियो सैक। अब हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारा ये जो स्ट्रक्चर्स ऑफ ओव्यूल है वो किस टाइप का स्ट्रक्चर्स ऑफ ओव्यूल है, ये हमारा है एनाट्रोपस, एनाट्रोपस, एनाट्रोपस ओव्यूल, वो ओव्यूल होता है। वैसे तो हमारे ओव्यूल्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन हमें जो सिर्फ क्लास 12th में जो पढ़ना है वो हमें सिर्फ एनाट्रोपस ओव्यूल पढ़ना है। वो भी क्या होता है, एनाट्रोपस ओव्यूल का मीन्स होता है कि जो हमारा माइक्रोपाइल एंड और चलाजा एंड आर अपोजिट टू ईच अदर, यानी दोनों ही एक दूसरे के कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। सपोज अगर यहाँ पे माइक्रोपाइल है तो इसके नीचे वाले पोर्शन पे क्या होगा, हमारा चलाजल होगा। अब ये हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा फ्यूनिकल क्या है, हाइलम क्या है। अगर आपने इस स्ट्रक्चर्स में जो जो इसके पॉइंट्स हैं अगर उन्हीं को समझ लिया तो इनके पॉइंट्स आप इजीली से बना सकते हैं, आपको इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सपोज अब देखो
कि पहले हमारा फ्यूनिकल होता है। फ्यूनिकल क्या होता है? फ्यूनिकल इट इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। फ्यूनिकल के लिए अगर हम बात करते हैं तो हमारा क्या कैसा होता है, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच इज अटैच टू द ओव्यूल। जो क्या होता है हमारा अटैच्ड होता है, अटैच्ड टू द ओव्यूल, जो हमारा ओव्यूल से अटैच होता है, यानी इसके वाले जो पार्ट है यानी ओवरी के अंदर जो हमारा ओव्यूल का जो कनेक्शन है उस वाले अटैच्ड है, वो भी किसके साथ, विद द प्लेसेंटा के साथ। नाउ दिस इज द हाइलम। हाइलम क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट इज हाइलम। हाइलम हमारा होता है, ये एक कनेक्टिव, मतलब आप ये बोल सकते हो कि एक कनेक्टिव लिंक होता है या कनेक्टिव पॉइंट होता है ऑफ द माइक्रोपाइल से। माइक्रोपाइल से जस्ट अटैच्ड होता है ऑफ द ओव्यूल का, एक पोर्शन होता है जहाँ से हमारा ये अटैच होता है। नाउ अब हम बात करते हैं इसकी, ये जो हमारी यहाँ पे इंटिगमेंट है, हमने लास्ट में भी ये डिस्कस किया था, जो हमारी डर्मिस पढ़ी थी हमने कि एपिडर्मिस थी हमारी, मीजोडर्मिस थी। अब हमने उस डर्मिस को क्या प्रोनाउंस किया था, डर्मिस को हमने बोला था कि लेयर। सेम एज यहाँ पे भी हमारा इंटिगमेंट क्या होता है, लेयर होता है। अगर हम बात इनर की करते हैं तो क्या होता है, वो इनर इंटिगमेंट, आउटर की बात करेंगे तो वो आउटर इंटिगमेंट। नाउ अब ये हम देख रहे हैं कि ये जो हमारी इंटिगमेंट रीजन है विच इज अराइजेस फ्रॉम द माइक्रोपाइल एंड, ये हमारी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हमारी इंटिगमेंट मैम्ब्रेन है ये सिर्फ हमारी कहाँ से अराइज हो रही है, माइक्रोपाइल एंड से अराइज हो रही है, और कहाँ तक, सिर्फ यहाँ सेंटर तक, यानी इस चलाजल पोर्शन पे हमारी इंटिगमेंट नहीं आ रही है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं ये तो हमारा एक पॉइंट हो गया, पॉइंट विच अटेस्ट टू द हाइलम। हाइलम जो है किससे अटैच्ड है, हमारा माइक्रोपाइल से, माइक्रोपाइल वाला रीजन से हमारा अटैच है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा इंटिगमेंट। इंटिगमेंट में हमने देखा इंटिगमेंट हमारी टू टाइप्स की है, फर्स्ट इज आउटर, सेकेंड इज इनर, जो कि हमारी क्या हो रही है, विच इज अराइजेस फ्रॉम द, अराइजेस फ्रॉम द माइक्रोपाइल एंड, माइक्रोपाइल वाले रीजन से हमारी क्या है, अराइजेस है। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा माइक्रोपाइल एंड और चलाजल एंड में क्या है। हमारा यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि माइक्रोपाइल एंड से हमारा एक दोनों का कनेक्शन हमारा हाइलम का है और हमारा इंटिगमेंट यहाँ से अराइज है। देन इसके अंदर हमारा सेंटर में ये क्या है, दिस वन इज अ एम्ब्रियोसैक। अभी हम पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे कि एम्ब्रियोसैक का स्ट्रक्चर कैसे है, यानी इसके अंदर ये जो हमने यहाँ पे कुछ सेंटर्स न्यूक्लियाई बनाई है, कुछ आप इसको पोलर न्यूक्लियाई भी बोल सकते हो, यहाँ पे कुछ हमने एग सेल बनाए हैं, एग अपैरेटस बनाए हैं, देन यहाँ पे हमने कुछ एंटीपोडल सेल्स और सिनर्जिड सेल्स बनाए। अभी हम आगे पढ़ेंगे ये कैसा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। अब हम इसमें चलाजल एंड देख लेते हैं। चलाजल एंड में हम ये बोल सकते हैं कि बस इट इज अ, ये क्या होता है हमारा लास्ट वाला, मतलब एक लास्ट पोर्शन होता है ऑफ द ओव्यूल का, जहां पे हमारी कोई भी इंटिगमेंट अराइज नहीं होगी। ठीक है, इसका अभी आगे केस आएगा कि जो चलाजल एंड होता है वहां पे कौन सी सेल्स का फॉर्मेशन होता है, अभी मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कौन सी सेल का फॉर्मेशन होगा। ये हमने यहाँ पे एम्ब्रियोसैक देख लिया, देन हमने यहाँ पे माइक्रोपाइल एंड देख लिया। अच्छा, अब इसी जो हमारा एम्ब्रियोसैक है ना, इस एम्ब्रियोसैक में हमारा एक चीज और होती है, उसको बोलते हैं न्यूसिलस। न्यूसिलस नॉट अ न्यूक्लियस, इट्स न्यूसिलस। न्यूसिलस क्या होता है, ये एक ओव्यूल होता है, ओव्यूल का एक ऐसा मास होता है विच इज अ कंसिस्ट ऑफ द पेरेन्काइमेटस सेल्स। ये मतलब ओव्यूल में कुछ ऐसे मासेस ऑफ सेल्स होते हैं जो हमारे पेरेन्काइमेटस सेल्स के बने होते हैं, जो ये क्या करता है, इसको सम पार्ट्स में, मतलब कुछ हम बोल सकते हैं कि इसको क्या प्रोवाइड कराता है। अभी हम इसमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे अगर हम पहले मेल की बात करें तो हमने मेल में क्या पढ़ा था, हमने मेल में पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी जो हमारे मेल वाले जो स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा था उसको माइक्रो बोल रहे थे। लेकिन अब जो हम फीमेल की बात करेंगे तो यहाँ पे हम बोलेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगा मीन्स इज अ लार्ज, स्पोरोजेनेसिस मीन्स स्पोर्स, यानी यहाँ पे लार्ज, यानी ये जो हमारे फीमेल फ्लावर के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं, द स्पोर्स लाइक, वो क्या होते हैं, लार्ज इन साइज होते हैं कंपैरिजन टू इज अ मेल के।
तो स्पोरोजेनेसिस मीन्स अगेन इज अ, जैसे हमारे इसमें डेवलपमेंट होता है ऑफ द फीमेल का, फीमेल स्पोर्स का, तो ये कैसे होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं, इसको हम फीमेल स्पोर्स कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ते हैं कि जो हमारा मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है वो कैसे स्टार्ट होता है। दिस इज द, यहाँ पे हमारा सबसे पहले हमने पढ़ा था कि आर्किस्पोरियल सेल्स होती हैं। आर्किस्पोरियल सेल्स में क्या होता है, हमारा टू टाइप्स का डिवीजन होता है, यानी टू माइटोसिस डिवीजन होता है, यानी वो डिवाइड होता है हमारे टू टाइप्स ऑफ सेल में। फर्स्ट इज होती है हमारी यहाँ से प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल्स, एंड यहाँ पे हमारी जो इसकी कवरिंग आती है वो होती है हमारी ओव्यूल, प्रिमोर्डियम की जो कवरिंग बनाती है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे यहाँ पे ये जो हमारी आर्किस्पोरियल सेल्स है ये हमारा किसका फॉर्मेशन का, ये तो आर्किस्पोरियल सेल्स हो गई, देन दिस इज द स्पोरोजीनियस सेल्स। अब हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा जो इसमें स्पोरोजीनियस सेल्स था वो हमारा किसका फॉर्मेशन कर रहा था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पीएमसी का, तो यहाँ पे हमारा क्या करेगा, ये करेगा हमारा एमएमसी का। एमएमसी मीन्स हो गया मेगा स्पोर मदर सेल्स, मेगा स्पोर मदर सेल। ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखना कि वहाँ पे हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पीएमसी का फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पे हमारा मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो हमारे स्पोरोजीनियस सेल्स होंगे इसमें अभी कैसा डिवीजन हुआ है, डिप्लॉयड, यानी अभी यहाँ पे हमारा माइटोसिस होके टू पार्ट्स में बट गए। अब यहाँ पे क्या होगा, इनका डिवीजन होगा, यानी टू से क्या बना देगी, हैप्लॉयड बना देगी, यानी ये कहाँ चली जाएंगी, मीन म्योटिक डिवीजन में। ये हमारी मेगास्पोर मदर सेल्स अब किस नेचर में आ गई, हैप्लॉयड में, यानी यहाँ पे हमारी फोर बन गई है ये। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, यहाँ पे हमारा बोल सकते हैं कि हमारे पोलर न्यूक्लियस का भी अभी फॉर्मेशन हुआ है। अब आगे जाके ये क्या बनाएगा, ये एक एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन कर रहा है। एम्ब्रियो सेक में क्या क्या होता है, अभी हमने छोटा सा जब हमने स्ट्रक्चर्स ऑफ ओव्यूल में देखा था जैसे इस तरीके से, तो हमने ये वाला स्ट्रक्चर्स देखा था, इसको हम बोल रहे थे एम्ब्रियो सेक, है ना। अब हमने इसमें यहाँ पे ये भी पढ़ा था कि जो उसका अपर एंड था ये हमारा क्या था, माइक्रोपाइल, दिस इज द, ये वाला जो एंड था हमारा था चलाजल, यानी इसको हम बोल रहे थे चलाजल एंड, इसको बोल रहे थे हम माइक्रोपाइल एंड, और ये हमारा किस टाइप का ओव्यूल था, एनाट्रोपस ओव्यूल, मतलब जो हमारा माइक्रोपाइल एंड और चलाजल एंड जो होते हैं वो अपोजिट टू ईच अदर होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं। अब ये क्या होगा, इसमें हमारा जो माइक्रोपाइल जो होगा वो क्या किस किसका फॉर्मेशन करेगा, ये जो है हमारा एग एपरेटस है, यानी आप यहाँ पे देख रहे हो हमारे थ्री सेल्स बने हैं यहाँ पे। ठीक है, थ्री सेल्स कैसे, ये जो हमारा सेंटर में है इसको बोलोगे आप एग, ये जो बाकी के जो हमारे टू कॉर्नर में हैं, मैं इधर लिख देती हूँ इधर साइड में, ये जो हमारी दिस एंड दिस वन इज, ये जो हमारे टू कॉर्नर साइड में है ये क्या है, हमारी सिनर्जीड सेल, दिस वन इज सिनर्जीड सेल। ठीक है, अब ये जो हमारा बीच में बना ये हमारा था पोलर न्यूक्लियाई, अब इसी से जब थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ तो क्या बना, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना, इसके नीचे हमारा क्या बना, एंटीबॉडल सेल्स। एंटीबॉडल सेल्स कहाँ से बनेगा, सी से, यानी चलाजल से। अब आप ये ऐसे ध्यान रखिएगा, ये पूछा भी जाता है कि चलाजल एंड कौन सी सेल्स का फॉर्मेशन करता है, माइक्रोपाइल एंड कौन सी सेल्स का फॉर्मेशन करता है, तो आप यहाँ से याद रखना एम एस से याद रखना, और आप याद रखना सी ए, चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, तो कैसे याद रहेगा कि जो हमारा एम है यानी माइक्रोपाइल है उससे क्या है, ये हमारा माइक्रोपाइल रीजन हो गया, ये हमारा चलाजल रीजन हो गया, तो एस का मतलब हो गया सिनर्जीड, इसने फॉर्म किया सिनर्जीड सेल का, और इसने चलाजल एंड ने किसका फॉर्मेशन किया, एंटीबॉडल सेल का, सिनर्जीड सेल, सिनर्जीड सेल्स, और ये हो गई हमारी यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स। अब इनका फंक्शन अपना अलग अलग होता है, किस तरीके से होता है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले आप ये ध्यान रखना कि जो हमारी आर्किस्पोरियल सेल्स थी वो हमारी टू टाइप का सेल, टू टाइप का माइटोसिस डिवीजन हुआ, टू टाइप की सेल्स में बटी, पेरिटियल सेल्स और स्पोरोजीनियस सेल। अब जो स्पोरोजीनियस सेल में उसमें हमारा माइटोटिक डिवीजन होगा, यानी केवल टू सेल्स बनाएंगी, उसने क्या बनाया पहले इन अ डिप्लॉयड नेचर में होके एमएमसी यानी मेगास्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन किया, देन इस मेगास्पोर मदर सेल ने क्या किया, हैप्लॉयड यानी म्यूसिस डिवीजन, यानी टू से क्या बना दी, फोर सेल्स बना दी, फोर डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर दिया, हैप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल बना दी। नाउ हमने ये देखा
पोलर न्यूक्लियाई ये हमने यहाँ पे देखा, ये थोड़ा सा एम्ब्रियो सेक थोड़ा सा क्या हो गया, मैच्योर हो गया। अभी हम पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे एम्ब्रियो सेक का, और हम इसके यहाँ पे अभी फंक्शंस देखेंगे कि एग सेल का क्या फंक्शन है, सिनर्जीट्स का क्या फंक्शन है, एंटीबॉडी का क्या फंक्शन है। अच्छा, ये आपके जो बोर्ड एग्जाम में है, अभी हमने लास्ट वाले लेक्चर में जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, ये हम पढ़ रहे हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो बेटा ये आपका 3 to 5 मार्क्स का कन्फर्म है क्वेश्चन, आता ही आता है, या तो आपका माइक्रो स्पोरोजेनेसिस आ जाए या फिर आपका मेगा स्पोरोजेनेसिस आ जाए। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये जो आपके डायग्राम्स हैं ऑन द बिहाफ ऑफ डायग्राम, आपको इसी, अगर आपको डायग्राम क्लियर है ना तो आप पॉइंट्स लिख सकते हो, अदरवाइज आप सिर्फ रटते रह जाओगे कि क्या है क्या, कुछ नहीं समझ में आने वाला। और थोड़ा सा ये एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़ोगे और थोड़ा सा ये याद रखोगे ना कि किससे किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ है, तो बहुत ईजिली से याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे, अभी तक हमने ये क्या पढ़ा था, मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे, स्ट्रक्चर्स ऑफ एम्ब्रियो सेक, यानी जो हमारे एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है। देखो अभी हमने यहाँ पे देखा ये हमारा माइक्रोपाइल एंड, माइक्रोपाइल एंड में ही हमारा यहाँ पे क्या था, एग बना था और सिनर्जीड्स, यानी इस दोनों को मिलाकर आप क्या बोल सकते हो, एग एपरेटस कह सकते हो। ठीक है, आगे ये हमारा क्या है, टू पोलर न्यूक्लियाई। अभी हमने मेगा स्पोरोजेनेसिस में देखा था कि क्या कैसे देखा था कि पोलर न्यूक्लियाई यानी फर्स्ट प्राइमरी पोलर न्यूक्लियाई थी, देन वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो गई थी। ये हमारी यहाँ पे मैच्योर पोलर, टू पोलर न्यूक्लियाई मैच्योर फॉर्म में है। अब ये हमारे क्या हो गए, एंटीबॉडी सेल्स, ये क्या हो गया हमारा चलाजल एंड, ये आपका कंफर्म है क्वेश्चन, आता ही है स्ट्रक्चर्स ऑफ एम्ब्रियो सेक, या तो ऐसे पूछ लेगा कि डिफाइन द मेगा स्पोरोजेनेसिस, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि डिफाइन द 7 सेल 8 न्यूक्लियाई। इस 7 सेल 8 न्यूक्लियाई का मीन्स क्या है, जैसे हम यहाँ पे 7 सेल देख रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये जो हमारे यहाँ पे सब सेल्स बन रही हैं, इनको बोला गया है 7 सेल, और 8 न्यूक्लियाई का मतलब क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पे हमारी न्यूक्लियस कितनी है, 8 है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, टू पोलर न्यूक्लियाई, और इसको हम ये और लिख सकते हैं कि वन सेंट्रल सेल। तो ये क्वेश्चन हमारा ऐसे भी पुटअप हो सकता है कि डिफाइन द 7 सेल 8 न्यूक्लियाई का मीनिंग यही होता है कि हमारी न्यूक्लियस तो कितनी हो गई, 8, लेकिन 7 सेल हैं। अब हम देखते हैं इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। ये जो हमारा सिनर्जिड सेल है, और ये तो हमारा एग है, ठीक है। अच्छा, अब अभी हमने देखा था कि मेगा स्पोरोजेनेसिस बना था, मेगा स्पोरोजेनेसिस में हमारी कैसे बनी थी, हैप्लॉइड नेचर में बनी थी, जिसमें कि अभी हम दिखा रहे थे कि इस तरीके से स्ट्रक्चर था, एक ऐसे करके स्ट्रक्चर था यहाँ पे, 1 2 3 4, ये हमारी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स थे। इसमें कि ये क्या होगी, ये हमारी एक, सिर्फ एक ही हमारी यहाँ पे एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करेगी, जिसमें कि आउट ऑफ फोर में से हमारी जो 3 होंगी वो क्या होंगी, डीजनरेट हो जाएंगी। जैसे हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी पुटअप होता है कि डिफाइन द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, या फिर व्हाट इज द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो आपको बताना है कि एम्ब्रियो सेक डेवलप फ्रॉम द सिंगल मेगा स्पोर, यानी ये जो हमारा मेगा स्पोर से जो डेवलपमेंट हुआ है, किससे हुआ है, सिर्फ ओनली सिंगल मेगा स्पोर से। बने तो हमारे हैप्लॉइड थे, हैप्लॉइड वो भी कितने थे हमारे, 4 थे, 4 में से 3 हमारे क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, 1 हमारा बचेगा जो हमारा एक पूरा फुली एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब हम इसके हम फंक्शन देख लेते हैं कि ये जो सिनर्जिड सेल्स हैं ये क्या करती हैं, ये इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फॉर्म करती हैं, फिंगर लाइक एक प्रोजेक्शंस बनाएंगी, जो क्या करती हैं, ये एग को, मतलब ये तो एग तो यहाँ पर रहेगा, अब ये क्या करेंगी, ये इसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराएंगी, साथ साथ ये जो हमारे पोलन ग्रेन थे उनको गाइड करेंगी कि पोलन ग्रेन जो था वो ओव्यूल में किस तरीके साइड से एंट्री करे। जैसे ओव्यूल का भी हमने स्ट्रक्चर देखा था इस तरीके से, ये हमारा फ्यूनिकल था, हाइलम था, ये वाला हाइलम, ये वाला पोर्शन हमारा माइक्रोपाइल था, ये हमारा हमारा चलाजल था, तो ये, और ये हमारा इंटिग्रमेंट रीजन था। यानी अब ये जो सिनर्जीड्स है, ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनी है,
ये क्या बताती है कि पोलन ग्रेन जो इस ओव्यूल में है वो कहाँ से एंट्री करेगा, थ्रू द चलाजल पोल के थ्रू कर सकता है, या फिर थ्रू द इंटीग्यूमेंट्स के थ्रू कर सकता है, या फिर थ्रू द माइक्रोपाइल एंड के थ्रू कर सकता है। ये जो गाइडिंग का काम है कौन करेगा, सिनर्जीड सेल्स करेंगे। नेक्स्ट, ये जो हमारी सेंट्रल सेल्स होती हैं ये हमारी लार्जेस्ट होती हैं, ये हमारी इसमें एक रिजर्व मटेरियल्स, फूड मटेरियल कह सकते हैं इसमें, ये अपने अंदर रखती हैं जो कि एक पूरे एम्ब्रियो सेल को क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं। सेम एज हमारा फंक्शन एज चलाजल एंड, अभी हमने एक ट्रिक भी देखी थी कि जो चलाजल एंड होगा वो किसका फॉर्मेशन करेगा, एंटीपोडल सेल का फॉर्मेशन करेगा, जिसके थ्रू ये एंटीपोडल सेल्स क्या करेंगी, ये भी इस पूरे एम्ब्रियो सेक को क्या करेंगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी। यहाँ पे हमारा ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन 3 to 3 marks का बनता है या फिर हमारा 5 marks का बनता है, वो अब डिपेंड करता है कि अगर 3 marks का बनेगा तो सिर्फ आप इसमें यहाँ पे इसका एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बना के तब आप इसमें डिफाइन कर सकते हो। मे बी अभी जो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा था ओव्यूल का, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल भी अलग पार्ट में पूछ सकता है, 3 marks में पूछ सकता है, या फिर ये पूरा लॉन्ग पूछ लेगा 5 marks का, तो आपको उसमें पूरा करना होगा। अगर आपको ये डायग्राम्स क्लियर हैं तो आप इसके पॉइंट्स बना सकते हैं, तो आपको डायग्राम मेन, आपको जो मेन आपका फोकस होना चाहिए वो डायग्राम पर होना चाहिए। अगर डायग्राम क्लियर है तो सब क्लियर हो जाएगा। अब ये हमारे यहाँ पे 2 parts फिनिश हुए थे, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे पॉलिनेशन। अभी सिर्फ हमारा हमने डेवलपमेंट पढ़ा है, अभी हमने ये नहीं देखा कि कैसे पॉलिनेशन हुए, किस तरीके से ट्रांसफर हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे पॉलिनेशन हुआ, कितने टाइप्स के हमारे पॉलिनेशंस होते हैं, जो कि हमारा एक पॉलिनेशन पे भी क्वेश्चन बनता है, या तो वो हमारा 1 to 2 marks का बन सकता है, या फिर मे बी वो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। Thank you.